Hello students, welcome to Siruseri's classes. In this video, we are going to talk about Chennai Mathematical Institute and the entrance examination for admission in this excellent institute for teaching and research in mathematical sciences. So basically, CMI Institute, जैसे कि जाना जाता है, इसके mathematical sciences के research के लिए काफी ही excellent courses and teaching provide करता है. और ये institute को basically जो इसका मेजर फंडिंग होता है वो प्राइवेट फंडिंग से आता है. इसी के साथ इसको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी फंडिंग होती है. और जो सीएमआई का मेन एरियाज है रिसर्च का, उनमें सब्जेक्ट्स है मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स. ये तीन सब्जेक्ट्स पे बेसिकली फोकस रहता है इस इंस्टीट्यूट का एंड इनके रिसर्चेस का. प्लस ये जो पी एच डी डिग्री प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, इसी के साथ बी एस सी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज में. और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में बी एस सी प्रोग्राम्स है और एम एस सी प्रोग्राम्स भी है मैथमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज में. तो ये है काफ़ी सारे कोर्सेज एंड बेसिक आइडिया अबाउट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट. अब बात करते हैं इन प्रोग्राम्स में एडमिशन कैसे मिल सकता है. तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले क्या आती है, अगर आप बात करते हैं बी एस सी एग्जामिनेशन, बी एस सी प्रोग्राम की, जो कि है स्कूलिंग के तुरंत बाद बैचलर्स इन साइंस ऑनर्स प्रोग्राम, या तो मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम, या फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का ग्रुप. तो ये दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल भी सेम, बिल्कुल ही सेम है. या तो आपका 12th एग्जाम पास होना चाहिए, या 12th, या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी में वैलिड है, या फिर आप वो एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएंगे जिस ईयर में आप वो एग्जाम दे रहे हैं. इसका एंट्रेंस टेस्ट जिस ईयर में आप दे रहे हैं उस ईयर में एक्सपेक्टेड है कि आप 12th एग्जाम पास कर देंगे, जो कि फाइनल ईयर होता है कैंडिडेट्स का. या तो उन्होंने एग्जाम देने वाले होते हैं या उन्होंने एग्जाम दे चुका होता है, तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. इसी के साथ एक और एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस जो होता है नेशनल साइंस ओलंपियड में, जिन स्टूडेंट्स ने नेशनल साइंस ओलंपियड में बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस दिखाया है, उन्हें जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे एग्जेम्पशन मिल जाता है, जो कि उन्हें ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं देना पड़ता है. डायरेक्टली एडमिशन कमेटी के थ्रू उनका जो भी एडमिशन प्रोसीड्योर है वो आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है जो है नेशनल साइंस ओलंपियड में गुड परफॉर्मर्स है. साथ ही अगर बात करें एमएससी प्रोग्राम्स की, तो एमएससी मैथमेटिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस भी है जो आगे देखेंगे. इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल ही सेम होता है. इनमें आपको बैचलर्स का कोई भी डिग्री होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीई, बीटेक एक्सेट्रा. और या तो फिर अगर एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में बात करें तो भी वही बीए, बीएससी, बीमैथ, बीस्टैट, बीई, बीटेक कोई भी डिग्री हो सकता है विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स. बैकग्राउंड मैथमेटिक्स में आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आप एमएससी इन मैथमेटिक्स कर रहे हैं या एमएससी इन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि आपने या तो स्कूलिंग में आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा रहा हो, या आपका बैचलर्स कोर्स में मैथमेटिक्स आपका काफ़ी अच्छा रहा हो, वो आपको एलिजिबल बना देता है ये एग्जाम देने के लिए. जैसे अभी एमएससी बाकी है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, तो उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग नहीं है, वही आपके पास एक बैचलर्स का कोर्स होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स. अब एमएससी के बाद जैसा कहा था कि पीएचडी प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, तो वही तीन रिसर्च प्रोग्राम, तीन जो जगह है इनकी, तीन जो स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं वो है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स. तो इनका थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं. जैसे अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, एमएससी बोले, जैसे आप मैथमेटिक्स का पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके पास एक एमएससी डिग्री होना चाहिए मैथ्स में, या इक्विवेलेंट कुछ भी कोर्स होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए. या फिर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग या साइंस में होता है, या विद अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च, तो स्टूडेंट्स जो बैचलर्स डिग्री कर चुके होते हैं या तो बीटेक या बीएससी विद अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड रिसर्च, वो भी एलिजिबल है पीएचडी इन मैथमेटिक्स के. और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स जो कि बीई, बीटेक, एमएससी या एमसीए डिग्री कोर्स कर चुके होते हैं, जो कि बैचलर्स के इंजीनियरिंग है, मास्टर इन साइंस है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, तो ये कोर्सेज के स्टूडेंट्स ये एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए. प्लस बीएससी इन साइंस, जैसा कि यहाँ बीएससी बोला गया है, इसी के साथ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड ऑफ रिसर्च की बहुत ज़रूरत है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के लिए. और अगर फिजिक्स की बात करें, तो ऑब्वियसली इसमें आपको फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री फिजिक्स में या फिर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, विद अगेन अ स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च कैन अप्लाई. तो स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च आप देख सकते हैं हर एक पीएचडी कोर्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है. इसीलिए ये कॉलेज या ये इंस्टीट्यूट एक रिसर्च प्रोग्राम जो कि मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो ये एडमिशन मिलना आपको इन सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद ही है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अगर बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी इस एग्ज़ाम को देने में, तो
एप्लीकेशन फीस देने की प्रोसेस तो ये है कि आप या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं या फिर आप कैश भी दे सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट अगर आप देते हैं तो कॉलेज के नाम पे आपको ये डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, जो कि ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट और बिल्ड एट चेन्नई, चेन्नई में बिल्ड होना चाहिए। इसी के साथ आपको ये देने से आपको ये आपका एप्लीकेशन फी मिल जाएगा विद अ प्रिंटेड पेमेंट एडवाइस, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही मिलेगा। और सबसे ज़रूरी जो कि चीज़ है वो है दी CMI एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आपको ये फी पेमेंट करना है बहुत सोच समझ के कि आप ये एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल फी है। और अब बात करते हैं आपके पास MSc, BSc या PhD अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में देना चाहते हैं तो आपका फ़ी होता है 750। अगर वही एग्ज़ाम आप ऑफलाइन फॉर्म में देना चाहते हैं तो फीस बढ़ के 900 हो जाता है। और मल्टीपल कैटेगरीज जैसे MSc एंड PhD जो कि कंबाइंड फोर्सेज होता है, इनका एग्जामिनेशन का फीस भी आपके लिए 900 ही रखा गया है। एप्लीकेशन फीस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जान लेनी चाहिए आपको, और बहुत ही बेसिक नॉलेज है CMI के बारे में। तो यूनिवर्सिटी नेम जैसा कि आप जानते हैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, शॉर्ट नेम जैसे कि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी का CMI है, लोकेशन आप सभी को पता है चेन्नई या फिर सिरुसिरी तमिलनाडु में है। एग्जामिनेशन मोड जैसा कि हमने अभी एप्लीकेशन फीस के टाइम डिस्कस किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन दो मेथड में दिया जा सकता है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और एप्लीकेशन प्रोसेस आपका पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर आपका उस पर मेरिट बेस्ड होता है, या फिर जो स्टूडेंट्स जैसे कि कहा नेशनल साइंस ओलंपियड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं उन्हें डायरेक्ट मेरिट बेस्ड के ऊपर ही एडमिशन दे दिया जाता है। और इस इंस्टीट्यूट का जो इस्टेब्लिश्ड डेट है वो है 1989 का, तो इसे 1989 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। और जो कैंडिडेट्स आउट ऑफ चेन्नई या तमिलनाडु के बाहर से ये एग्ज़ाम देने आते हैं उन्हें हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और इसी के साथ जो डिस्पैच ऑफ एडमिशन कार्ड्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स के बाद आपको एडमिशन के मिल जाता है एडमिशन कार्ड्स का। और डिस्टेंस लर्निंग अगर कोई करना चाहे तो ये इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, नॉट अप्लाइड है, डिस्टेंस लर्निंग आप नहीं कर सकते, आपको वो कॉलेज में जाके वहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स लेना पड़ेगा। फीस सबमिशन जैसा कि मैंने कहा था कैश कर सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट ऑन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के नाम से डिमांड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड या एफिलिएटेड है UGC अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी, और इंटरनेशनल एडमिशन नहीं हो सकता, इसमें खाली इंडियन कैंडिडेट्स के एडमिशन हो सकता है। CMI एग्जामिनेशन के थ्रू खाली इंडियन कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं, इंटरनेशनल एडमिशन नहीं ले सकते। इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स की बात अगर बात करते हैं इस एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, तो बेसिकली एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं ये 3 पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि है एग्ज़ाम बेसिकली 3 आवर्स का होता है, कंटिन्यूसली 3 आवर्स का एग्जाम होता है। पेन एंड पेपर मोड इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एंड द लास्ट इज द क्वेश्चन अपीयर विद ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव अप्रोच, दोनों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और डेप्थ नॉलेज अगर ले पैटर्न के बारे में तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर सब बात करें कि BSc ऑनर्स कर रहे हैं आप मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिकल एंड फिजिक्स में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए है 10-11 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 6 क्वेश्चंस होते हैं, कोई फिक्स नहीं है लेकिन ये एक रेंज अप्रॉक्सीमेटली हर समय सही होता है। और वेटेज ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट ए का होता है 40-44 मार्क्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चंस हुए तो 40 मार्क्स, 11 क्वेश्चन हुए तो 44 मार्क्स। और सेकेंड में जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसका मार्क्स होता है 81-85 के बीच में, टोटल मार्क्स 125 ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, बस ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी चेंज हो जाते हैं। अब बात करें अगर MSc या PhD इन कंप्यूटर साइंस, तो MSc इन PhD कंप्यूटर साइंस में पार्ट ए में तो 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड पार्ट बी में 7 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है एंड ये सेकंड पार्ट में 10 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, फिक्स्ड है, एंड टोटल मार्क्स आप देख ही सकते हैं 100 मार्क्स टोटल फिक्स्ड है। और बात करें अगर MSc PhD इन मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपका 10-10 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में होते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट के 10 क्वेश्चंस का 4 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, लेकिन सेकंड पार्ट में 6 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, दोनों मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स हो जाता है। या फिर अगर बात करें खाली PhD इन फिजिक्स की, तो खाली 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 होल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कई सब डिविजन्स मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन का टोटल मार्क्स होता है 20 मार्क्स, एक बिग क्वेश्चन का 20 मार्क्स होता है, उनमें सब डिविजन आपको छोटे छोटे मार्क्स में मिल जाते हैं क्वेश्चन, एंड 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, तो ऑब्वियसली टोटल मार्क्स 100 हो जाता है। अब देख सकते हैं BSc का जो एग्जाम होता है वो खाली 125 मार्क्स का होता है, बाकी तीनों एग्जाम के फुल मार्क्स 100 मार्क्स ही होते हैं। अब ये हो गया डेप्थ नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करें कि आप ये एग्जाम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, इसका टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ होता है, तो ये लिस्ट है आपके लिए, ये CMI एग्जामिनेशन कंडक्टिंग स्टेट्स है, यूनिवर्सिटी स्टेट
सिटीज है, ये यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन बैठ के दे सकते हैं अगर आप यहाँ इनमें से कहीं पे भी रहते हैं, अहमदाबाद, अलाहाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कालीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, श्रीनगर, दिल्ली, गुवाहाटी एंड सो ऑन, ये आपके पास ऑप्शंस है। इनमें आप कहीं पे भी रहते हैं तो आप टेस्ट सेंटर में जाके अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और जब आप एप्लीकेशन फिल करें तो आपको इनमें से टेस्ट सेंटर सिलेक्ट भी करने पड़ते हैं जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट हो, जहाँ आप एग्जाम जाके दे सकते हैं। तो ये था कम्प्लीटली CMI एग्जामिनेशन का जनरल जो इन्फॉर्मेशन होता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए। और अब अगर बात करें कि सौरभ सर क्लासेस में आपको किस तरीके से मदद की जा सकती है, सौरभ सर क्लासेस में आपका ये एग्जामिनेशन क्रैक करने में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, तो सौरभ सर क्लासेस में हमारा जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो हर समय कैंडिडेट्स को ये एग्जामिनेशन पास कराने के लिए ही मेहनत करते रहते हैं। हमारे क्लासेस पूरे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसीडियर्स के साथ होते हैं। पिछले कई सालों में कई कैंडिडेट्स ने हमारे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर ये एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी रैंकिंग से पास किया है, एंड काफ़ी अच्छी एडमिशन क्राइटेरियाज में मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका देख पाए हैं। और इसी के साथ हमारा गोल हमेशा यही होता है कि कैंडिडेट्स का जो ब्राइटेस्ट माइंड है उनके साथ काम करें, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन जो इस कंट्री के लिए है और आगे के एडुकेशनल स्किल्स के लिए है उनका हमेशा ब्राइटन कर सके फ्यूचर। और अगर आप क्लासेस के बारे में जानना चाहे तो यहाँ पे लाइव क्लासेस के बारे में मैं बता दूँ, लाइव क्लासेस हमारे यहाँ कोचिंग में कोलकाता में होता है, और इसी के साथ आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेम है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, साथ ही में हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर आने वाले क्वेश्चन जो हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज ने ये किया हो, प्रोवाइड किया हो कि आने के क्वेश्चन के बहुत हाई चांसेस है, या फिर जो पहले मॉक क्वेश्चन आते हो वो सभी क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। इसी के साथ पास्ट ईयर सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं, पास्ट ईयर आपको पहले सॉल्व कराया जाता है, पास्ट ईयर एंट्रेंस क्वेश्चंस, एंड फिर उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इनके साथ अगर बाय चांस आपने कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के वजह से अपना लाइव क्लास मिस कर दिया हो तो आपके लिए वो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी होती है, हर एक क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग होती है, जो भी कैंडिडेट कोई क्लास मिस कर देता है उसको तुरंत वो क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है उसके मांगने पर, एंड आप जब भी चाहें वो एग्जाम वो अपना क्लास देख सकते हैं एंड अपना सिलेबस के साथ कोप अप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन ब्रीफ में, इसी के साथ कई एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के लिए, और प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टडी मटेरियल्स में हमारे पूरे हर एक पोर्शन कवर किया जाता है। इसी के साथ आपको हर एक वीक एक स्पेशल रिकॉर्डिंग सेशन भी दी जाएगी जो हमारे फैकल्टीज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप स्पेशल ट्रिक्स एग्जाम के बारे में, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो एग्जाम के बारे में, या फिर कोई पैटर्न में चेंज हो, आपको कुछ भी हो ऐसा, आपको हर एक वीक एक स्पेशल रिकॉर्डिंग दी जाती है, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी के साथ हर एक क्लास में आपके लिए न्यू हैंडआउट्स, न्यू PDFs एंड ऑनलाइन मटेरियल्स दिए जाते हैं, और जो कि आप पहले पढ़ सकते हैं क्लास के लिए रेडी होने के लिए, या फिर आप बाद में PDF सॉल्व कर सकते हैं उस क्लास की पढ़ाई को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये लाइव से लाइव क्लासेस का पूरा स्ट्रक्चर है। अब अगर आप सोचिए कि आपने एग्जाम के टाइम लेट कर दिया कि एग्जाम कोचिंग आपने नहीं लिया कहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमारा क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती है ये क्रैश कोर्सेस, ताकि स्टूडेंट कम टाइम में पूरा कवर कर सके अपना सिलेबस को। और इस क्रैश कोर्स में आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स एंड आपके पास जितना अवेलेबल टाइम है उसमें जितने लाइव सेशंस कंडक्ट हो सकते हैं वो सारे किए जाएंगे, आपको हमारे सॉफ्टवेयर में, आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे। आप अपने हिसाब से जितना जल्दी हो सके सारे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितना आपको कम टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है इस पैटर्न में। और इसी के साथ आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स है मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि एक रिटर्न प्रैक्टिस होता है, मॉक टेस्ट की तरह आप दे सकते हैं, और आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपना प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रख सकें, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपके पास कम टाइम है, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया होगा कोई और एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से आपके लिए इतने सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है कि आप पढ़ने के साथ साथ कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट अगर देते रहेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपका राइटिंग एंड सॉल्विंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है तो उसके लिए स्पेशल सेशन होता है, जो कि एकदम एग्जाम फ्रेंडली वे में समराइज्ड किया जाता है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, आपका कम टाइम में पूरा वो टॉपिक कवर हो जाए, उस हिसाब से आपको सेशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ शॉर्ट PDFs एंड ट्रिक बेस्ड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट PDFs का मतलब हो गया कि जो
सारे क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं वो हर एक टाइप कवर हो जाता है शॉर्ट पीडीएफ में, आपको बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मॉक टेस्ट बहुत सॉल्व करने के लिए रहेंगे। तो इन पीडीएफ में आप हर एक टाइप का टॉपिक सॉल्व कर पाएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ताकि आप ये सॉल्व करके सीधा मॉक टेस्ट में चले जाए अपना मॉक टेस्ट सॉल्व करने और अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए। इसी के साथ ट्रिक बेस्ड वीडियोस जो कि आपको बताएगा कि आपको इजीली एंड एफिशिएंटली कैसे सॉल्व करना है अपने एग्जाम में। इसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग सेशंस हमेशा अवेलेबल रहते हैं कैंडिडेट्स के लिए, किसी को कोई भी दिक्कत आए तो वो डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड करके उसमें हमने सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है। और यही कोर्सेज के साथ, चाहे वो पूरा लाइफ कोर्स हो हमारा या फिर हमारा क्रैश कोर्स हो, इसके सबके साथ बहुत ज़रूरी होता है जो है मॉक टेस्ट। तो पूरा मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आपको जानना है तो मॉक टेस्ट सीरीज आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर बैठ के आपको फोन या लैपटॉप में हमारे पोर्टल में हमारे सॉफ्टवेयर में जाना है, वहाँ आपको एक्सेस दे दिया जाएगा, आराम से आप अपने घर बैठ के मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एकदम एग्जाम के स्ट्रक्चर में होता है। आपको वो देने से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका प्रिपरेशन कितना अच्छा है और आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल से हमें पूछ सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही आपको सारे उस आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस और मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए आपका एग्जाम सबमिट करते ही हमारे सिस्टम से आपको मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो आप उस हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना एक अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि आप एग्जाम में कितना स्कोर कर पाएंगे। और इसी के साथ आपने कहीं कोई गलती की है या आपने गलती नहीं भी की हो तो कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है उसका, तो उसी हिसाब से सारे सोल्यूशन जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबके सोल्यूशंस आपको तुरंत मिल जाएंगे नेट पे ही हमारे पोर्टल में। तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपने क्या गलती की है या आपने कहां अपना ज़्यादा टाइम लगा दिया जो कि काफ़ी कम टाइम में सोल्यूशन आपका आ सकता था। इसी के साथ अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है किसी कोई टॉपिक में, कोई स्पेशल टॉपिक में या कोई सब्जेक्ट में या कोई स्पेशल टेस्ट में, तो आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप हमेशा हमें ईमेल कर सकते हैं, जो है ईमेल आईडी sourasirclasses@gmail.com, या फिर आप हमें कॉल, व्हाट्सअप या टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं 9836793076, नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप सौरसर क्लासेस को कॉन्टैक्ट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।